गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है डे थ्री, हम लोग हैं गंगोत्री में। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, गंगा माँ आ रही है वहाँ से। ये हमारा होटल का व्यू है, इतने सुंदर ट्रीज और वो स्नो कैप माउंटेन्स मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। मेरा कल का दिन मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, इतना सुंदर घूमे, इतना सुंदर आए हैं। 15 घंटे का बस जर्नी, लेकिन कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि एंड में ये नज़ारा था, जस्ट ब्यूटीफुल है। तो हम लोग जस्ट अभी होटल से निकल के चल रहे हैं मार्केट की तरफ, हमारे दोस्त से मिल ले। तो हमें देव भैया बस में मिले, बहुत बढ़िया बंदे हैं, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उसी वजह से बातचीत हुई। अगर आप लोग चाहते हो तो उनका भी व्लॉग देख सकते हो, ट्रैवल इंडिया विद देव उनका चैनल का नाम है। अगर आपको ये सब दिखाना होता है सुबह की ड्यूटी अलग है ना। आ जाओ। अरे बैठिए बैठिए, ये डायरेक्टर है आज, या सुबह से कर रहा है भाई एकदम। हम बढ़िया है अभी, कल जो जर्नी किया ना हालत खराब था, आज सही है। चलिए कहाँ लगा रहे हैं, क्यों आज हाउसफुल है? बाप रे, हाँ हम लोग देख रहे, बहुत लोग जा रहे हैं ऊपर, बाप रे। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं पांडव केव। देव भाई हम लोग को गाइड करेंगे, 3 किलोमीटर का रास्ता है बस, तो चलेंगे। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज, भाई साहब भाई जो आवाज़ें हो रही है ना, फटके चाह रहे मेरी। भाई व्हाट अ प्लेस, थोड़ा तो डिसबैलेंस हो रहा है, पानी में ना जाओ भाई, बट वाव देखिए भाई कहाँ आ गए हम, जन्नत है जन्नत। जगह है सूर्य कुंड, ठीक है, ये पहला यहाँ पे जो जगह है जो चारों धामों को मतलब वाटर यहाँ से जाता है। ये जो डैम है यहीं से आपका पूरा इंडिया में पानी जाता है गंगा का। तो प्रेशर आप लोग देखिए, जस्ट पागलपंती जगह है ये, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हर तरफ डियोरा ट्रीज और पाइन ट्रीज है। এখানকার ঘটনা বর্ণনা আছে, আবার মার্কেন্ড ঋষি, হ্যাঁ, স্কন্দ পুরাণে, কেদারখণ্ডে সব এখানকার এই ঘটনাগুলো লেখা। হ্যাঁ, তো এখানে অলৌকিক দর্শন, আমরা গঙ্গা থাকি তো এগুলো সব আমাদের জানা, আপনারা বাইরে থেকে আসছেন। না, আমার সাথে দেখা খুব ভালো লাগলো, আপনি বর্ধমান থেকে এখানে এসে থেকে গেছেন। আবার আমাদের নিচে বহুত বড় আশ্রম, তো সেখানে কাটোয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাসিনী ছিলেন। আচ্ছা, সেই এটাও মন্দিরটা আমার গুরুদেব সংস্কার করে দিয়েছেন, ভেঙে চলে। বাহ বাহ বাহ, আর ওই নদীর এই পারে 30 বিঘে এরিয়ায় মন্দির। বাপ রে, আমার সাথে দেখা খুব ভালো লাগলো, জিনিস দেখাবো। আচ্ছা, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন এবং মানে সারা জীবন মনে থাকবে। না, সারা জীবন সত্যি মনে থাকবে। গঙ্গোত্রীতে এসে এই জায়গা দর্শন না করলে গঙ্গোত্রী অপূরণ থেকে। হ্যাঁ, এই দেখুন গণেশজির দর্শন করুন, আসুন। গণেশজি এখানে বসে পাহারা দিচ্ছে, মা এখানে না স্নান করে, দেখুন গণেশের মুখ দেখুন, দুটো চোখ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিক দিয়ে বেশি ভালো দেখা যাবে। হ্যাঁ, এই গুফাতে থাকি আমি। এই গুফাতে আপনি থাকেন? বাহ বাহ বাহ, এদিকে আসো, গণেশজির ছবি নেন, গণেশজির মুখ চোখ। হ্যাঁ, একদম সুর, ওই তো সুরটা দেখা যাচ্ছে, সুর চলে গেছে ওইখানে যেখানে প্রকৃতিস্থ শিবলিঙ্গ আছে, সূর্যকুণ্ডতেও আছে, এখানেও আছে। সূর্যকুণ্ড তো এখন দেখতে পাননি, এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যদি জল না বাড়ে। আচ্ছা, একদম প্রকৃতিস্থ শিবলিঙ্গ যেখানে, এখানেও আছে, সূর্যকুণ্ডতেও আছে। সূর্যকুণ্ডতে ঠান্ডার সময় দেখা যায়,
যখন বরফ থাকে জলের লেয়ার খুব কম থাকে আর ফ্লো কম থাকে তখন পুরো প্রকট। यहाँ गणेश जी का सुनना वहाँ तक किया, वहाँ प्रकृति से शिवलिंग है, जैसे सूर्यकुंड में है वहाँ अभी दिखाई नहीं देगा, ठंडा का विंटर और मंथ में दिखाई देगा, जब बर्फ रहता है ना जल खूब कम आता है, जल सीधे शिव जी का लिंग का ऊपर गिर जाता है। अच्छा इधर आइए चलिए, गीचे किंतु ना देखा ले। अच्छा देखते पाबे ना ওরা ওখানে ইয়ে গেছে এমনি এমনি ঘুরে আসবে চারদিকটা দেখে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এখানকার যে আসল দর্শন, আচ্ছা সেটা আঙুল দিয়ে আমি দেখাবো তবে দর্শন। আচ্ছা বাস, এখানকার মাহিত্য কি সেটা মানে বর্ণনার সঙ্গে দেখালে হ্যাঁ তবে জিনিসটা ভালো হবে। না রাস্তাটা সত্যি সাবধানে, আপনাদের তো অবশ্য অভ্যস্ত। তো দেখো আমলোক আ গে ইয়হা পে, ক্যা দেখাই না घूम के आया, क्या क्या देखा। ओहो यहाँ तो बहुत कुछ देखने का चीज है, यहाँ से दिव्य दर्शन होता है। आइए दिखाएंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, मोजा खोल दीजिए। ऐसा जूता पहन के चमड़ा का जूता होने से तो जूता खोलने का जरूरी नहीं, जिसका लेदर का जूता हो उसका खोलना चाहिए। ये बताने गौरी जी कैलाश में रहते रहते शरीर का रंग काला हुआ था, जब गंगा जी धरती में अवतरण किया पहले गौरी जी इसी कुंड में नहाया और गोरा रंग वापस मिला। इस पत्थर में गौरी जी विराजमान है, ठीक है। ये है नाभि कुंड, प्रणाम कीजिए। और नीचे ये जो है ये है जनी कुंड, जनी कुंड से एकदम जुगल दर्शन होता है। आइए, ये है सिद्ध पीठ, यहाँ हवन करने का जगह है, यहाँ रात में कोई नहीं रह सकता। रात में कोई संत कोशिश किया था रहने के लिए, पत्थर गिरता है किसी को रहने नहीं देता। ये साधन करने का जगह है, सिद्ध पीठ है। देखिए ये है जनी कुंड, दुर्गा सप्तशती में सब इसी स्थान का वर्णन है। अच्छा। और मार्कंडेय ऋषि स्कंद पुराण में केदारखंड में सब इसी स्थान का वर्णन किया है। गौरी जी का प्रकट तेज से कौशिकी देवी प्रकट हुआ असुर दमन के लिए, जो सुमो निशम्मो को वध किया, चामुंडा रूप लेके चंद्रमुंडा को वध किया, सब इसी स्थान से। माता जी को इसी स्थान पर देवगण अस्त्र शस्त्र देके सुसज्जित किया था असुर दमन के लिए। देखिए ये है जनी कुंड, हाँ प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ दिव्य दर्शन होता है। इधर आइए, जोर हाथ करके देखिए हम दिखा रहा है, यहाँ गौरी जी खड़ा है, यहाँ शिव जी खड़ा है, ठीक है। दर्शन कीजिए भक्ति से, तो यहाँ जुगल रूप दर्शन होता है, यहाँ नाग भी दर्शन होता है। ये मैंने साधन करने के लिए ये सिद्ध पीठ है, हाँ ये शिवलिंग जो देख रहे हैं यहाँ पर एकदम दिव्य दर्शन होता है। और ये है जनी कुंड, यहीं से प्रकट हुआ था कौशिकी देवी गौरी का रूप से। अच्छा हाँ। देख लिया हाँ। और यहाँ वहाँ गणेश जी जो पहाड़ा दे रहा है, देखा है ना आप, हाँ। गणेश जी का सुंड यहीं खत्म हुआ, पहले शिव जी को जल चढ़ा रहा है, यहाँ प्रकृतिस्थ शिवलिंग है दिखा रहा है आपको। चलिए वाओ, देखिए यह है शंख कुंड, ठीक है। गणेश जी का सुंड यहीं खत्म हुआ, पहले शिव जी को जल चढ़ा रहा है, देख रहे शिवलिंग का ऊपर जल गिर रहा है हाँ। ये तो आज मैंने जल ज्यादा हो रहा है ना, और दो दिन बाद दिखाई नहीं देगा। जहाँ जल गिर रहा है वहाँ शिव बैठे हैं, देखे है? ये जो स्ट्रक्चर है ये शिव जी है, ठीक है। इस कुंडू शिव जी त्रिशूल लेके किया था, यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी होके गौरी कुंड को प्रदक्षिण कर रहा है। उत्तर वाहिनी गंगा जहाँ जहाँ है वो प्रसिद्ध स्थान है। मोबाइल पे देखिए शिव जी का चित्र आएगा। तो वे लोग जा रहे हैं बाबा के साथ गुफा में, वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे हम लोग जाएंगे। स्टीप इंक्लाइन है, हम सोचा था जा पुहा है, जूता खोल के बाबा का गुफा में घुसेंगे हम लोग अभी। सब लोग जूता खोल लो प्लीज, दिखाया आया था आपके पास।
आजा कौन तो, अरे बाबा माथा नीचे करके, बहुत ही बढ़िया जगह, माथा नीचे करके आइए एकदम आ गए बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम उठा देते। স্বর্গের দিকে এসেছিল, প্রথম যমুনোত্রী গিয়েছিল, যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী এসেছিল, গঙ্গোত্রী যখন আসে তখন এই পাণ্ডব গুফাতে পাণ্ডবরা ছিল। হ্যাঁ, আর এরপরে পাণ্ডবরা কেদারনাথের পথে রওনা হয়েছিল, কেদারনাথ গিয়ে তারা লাস্ট বদ্রীনাথে গিয়ে স্বর্গের পথে গিয়ে দেহ ওখানে, ওটাই ঘটনা, ওই জন্যই আমরা যাচ্ছি পাণ্ডব গুফার দিকে। আজকে কো ছোড় কে यहां से थोड़ा ज्ञान लेके निकल पड़े हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे पांडव गुफा की तरफ। तो ये है वो ट्रेल जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। भाई साहब नीचे पूरा गहरा खाई, उस तरफ देखना ही नहीं है। देव भैया यहाँ पे कुछ सोच रहे ऊपर की तरफ पहाड़ में, कितना सुंदर व्यू है। एरोज़ है बस, अभी ऐसे सीधा थोड़ा ही देर में पहुंच जाएंगे पांडव गुफा, ये वाला बहुत सुंदर रास्ता है, नीचे पूरा डेप्थ गजब है। उसी साइड का रोड से हम लोग आए थे और अभी हम लोग पैरेलल चल रहे हैं दूसरे माउंटेन से। ये आ गया पांडव गुफा का डिटेक्शन साइन, आई गेस बस और थोड़ा दूर है। ये पूरी की पूरी चट्टान है, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए पांडव गुफा। ये बड़ा वाला पत्थर, इसी के अंदर पांडव रहते थे। बाप रे क्या बड़ा साइज है इसका, वो वाला पत्थर कुछ भी नहीं था। तो इसके अंदर रहते थे वो लोग, एक टाइम पे उन्होंने भी यहाँ पे सांसें ली थी। जय श्री गंगा मैया, सत्यम शिवम सुंदरम, जय श्री राम बाबा जी। तो यही है पांडव गुफा, यही बैटर टाइम रहते थे वो लोग। आई बाबा जी है, प्रणाम बाबा जी, आते चलिए चलिए वापस जाते हैं गंगोत्री की तरफ। अभी मैंने खाना खा लिया है यहाँ पे हम लोग ने, अभी निकल रहे हैं, थोड़ा कजिन का सामान खरीदना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस होटल, वापस हो गया हम लोग का आज का ट्रैक, हम लोग ने काफ़ी जगह घूमी। अब मेन मंदिर हम लोग इवनिंग में जाएंगे, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा रेस्ट और इन वादियों में जस्ट खो जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इवनिंग का टाइम है, रेस्ट पीरियड ओवर, हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ आरती देखने। शाम का 7 बज रहा है लेकिन अभी भी इधर इतना लाइट है, लाइट से भरा हुआ है जगह। मेरे
वाह क्या मंदिर है भाई, आके आई फील एट पीस। ओम नमः शिवाय। तो ये है माजी का मंदिर, बट ये स्थापित मंदिर नहीं है। हम लोग स्थापित मंदिर की तरफ चलते हैं अभी। ओम नमः शिवाय। लगता है आरती शुरू हो गई है। अभी थोड़ा व्लॉग बंद करेंगे और माजी से मन्नत मांगेंगे थोड़ा। एक बार आप लोग को आरती दिखा दे। तो मंदिर से थोड़ा सा सामने चलते ही ये सुंदर सा पहाड़ दिखेगा आपको। इतना सामने लग रहा है मैं छू लूंगा इस चीज को। पूरा स्नो से भरा हुआ बर्फ का पहाड़ और इतना सामने कि लग रहा है जस्ट छू पाएंगे। तो अभी शुरू होने वाली आरती। तो आरती हो गई कंप्लीट। देव भैया ने हमारे लिए ये पकड़ा भगवान जी का प्रसाद। ये वो लोग जो फेंके देव भैया ने पकड़ा हमारे लिए, तो थैंक यू देव भैया। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। देखते रहिएगा और अगर पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीस।